हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बोर्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, भारत इज माय होम। इस चैप्टर का पैराग्राफ 3 तक हम लोग देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। अब इस वीडियो में पैराग्राफ 4 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ 4। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इसके लगातार जो नवीनीकरण की प्रक्रिया है, असल में राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉर गिवेन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली इफ नॉट इंटायरली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। इसमें कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जहां तक मैं देखता हूँ, यह शिक्षा का काम है, यह एजुकेशन का काम है, इस लगातार नवीनीकरण में सहयोग करना, ये जो है सो सारा क्रेडिट एडुकेशन को दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सारा क्रेडिट एडुकेशन को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि और मेरे इस अनुमान को माफ किया जा सकता है कि मेरा इस ऊंचे पद पे होना, जो मुझे लोगों ने चुना है, पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लोगों की शिक्षा से लंबे अरसे से लगाव की वजह से है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मेरी जो पहचान है, मुझे जो लोगों ने चुना है, कहीं ना कहीं एजुकेशन पे ही चुना है। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि एजुकेशन जो है सो एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, एजुकेशन एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, एक मुख्य यंत्र है राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने का। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनकैपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और वो जो क्वालिटी है एजुकेशन की, वो अनिवार्य रूप से इन्वॉल्व है, शामिल है राष्ट्रीय क्वालिटी में। इनका कहना है कि अगर हमारे एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी तो हमारे नेशन की भी क्वालिटी बढ़ेगी, इसीलिए हमें एजुकेशन की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए, न कि जात धर्म में भेदभाव करना चाहिए, हमें अपने एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। पैराग्राफ 5। आई देयरफॉर प्लेस्ड मायसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम व्हेयरसोएवर इट मे हैव कम एंड बाय व्होमसोएवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। इस पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, इसीलिए मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ, खुद से शपथ लेता हूँ, अपने पास्ट कल्चर, जो हमारा जो पास्ट कल्चर है, उसके प्रति वफादार रहूंगा, उसकी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हमारा जो पास्ट कल्चर है, चाहे जहाँ से भी आया हो, उसकी मैं कदर करूंगा और जिसके द्वारा भी वो कल्चर लाया गया हो, जिसके द्वारा भी ये संस्कृति लाई गई हो, उसके प्रति मैं वफादार रहूंगा और उसकी पूरे दिल से सेवा करूंगा और कदर करूंगा। आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ कि हमारे देश का जो कल्चर है, उसकी पूर्ण रूप से सेवा करने का प्रतिज्ञा करता हूँ। I place my loyalty to my country irrespective of religion or language. डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरे देश के प्रति मैं वफादार रहूंगा बिना किसी भेदभाव के, बिना भाषा, बिना धर्म के भेदभाव किए बिना ही, कि मीन्स कि मैं किसी भाषा का भेदभाव नहीं करूंगा, किसी धर्म का भेदभाव नहीं करूंगा, इन सभी का भेदभाव किए बिना मैं इस देश की सेवा करूंगा और इसके प्रति वफादार रहूंगा। आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू वर्क
फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ इस देश की ताकत और इस देश की तरक्की के लिए मैं काम करूंगा। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर और क्रीड्स। कह रहे हैं कि मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूँ इस देश की ताकत और इस देश के प्रोग्रेस के प्रति मैं वफादार रहूंगा और यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए मैं काम करूंगा बिना किसी डिस्टिंक्शन के, बिना किसी भेदभाव किए, न कलर का, न कास्ट का और न ही किसी धर्म के, धर्म में भेदभाव करूंगा और मैं पूर्ण रूप से अपने देश की सेवा करूंगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहती हैं, ये पूरा भारत मेरा घर है और इसके जो लोग हैं ये मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, लोगों ने जो मुझे चुना है, लोगों ने जो मुझे कुछ ही समय के लिए इस परिवार में के मुखिया के तौर पे चुना है, हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार के मुखिया के रूप में जो चुना है, आई शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल। कि लोगों ने जो मुझे कुछ टाइम के लिए चुना है, यह मेरी पूरे दिल से कोशिश होगी कि मैं इस घर में मजबूत और सुंदर बनाऊं, इस घर को मजबूत और सुंदर बनाऊं। अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि जो मुझे लोगों ने चुना है कुछ टाइम के लिए इस देश के मुखिया के रूप में, इस परिवार के मुखिया के रूप में, मैं इस देश के लिए पूरे, इस घर के लिए पूरे दिल से कोशिश करूंगा कि इस घर में मजबूत और सुंदर, इस घर को मजबूत और सुंदर बना सकूं। अ वर्दी होम मीन्स एक रहने लायक घर बना सकूं। यहाँ के महान लोगों के लिए, यहाँ के जो महान लोग हैं, फैसिनेटिंग टास्क में, फैसिनेटिंग टास्क मीन्स मनमोहक काम में जो लगे हुए हैं, यहाँ के लोग की जो लाइफ है वो न्यायपूर्ण हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि यहाँ के जो लोगों की जो लाइफ है वो न्यायपूर्ण हो, प्रॉस्पेरस हो एंड ग्रेसफुल लाइफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों की जिंदगी एकदम खुशहाल हो और सुखी जिंदगी हो, मैं यह काम करता रहूंगा, यहाँ के लोग सुख चैन से रहें। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ 6 से देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।